जितने भी आपकी एज के लड़के हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? कि सदा जय श्री राम का नारा लगाओ। ये जो हम तिलक लगाते हैं इसका एग्जैक्ट मतलब क्या, क्यों लगाना चाहिए? ये गुरुकुल कहाँ पे आपका, इसके बारे में बताना। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। गाइस आपने पिछली वीडियो में देखा शौर्य जागरण यात्रा में आपको लेके गया था, और गाइस आज है दूसरा दिन शौर्य जागरण यात्रा का, और गाइस आज भी आपको लेके जाने वाला हूँ। सुबह के 11:30 बज चुके हैं, यहाँ से ना हरदासपुर से ये शौर्य जागरण यात्रा स्टार्ट होने जा रही है। पहले दिन भी आपको गाइस इस यात्रा के साथ मिलाया, इस यात्रा को दिखाया, और गाइस आज है दूसरा दिन, तो आज दूसरे दिन भी आपको लेके जाने वाला हूँ, तो आपने बने रहना वीडियो में। सामने देख सकते हैं यात्रा जो है ना हरदासपुर से रवाना हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। सामने देख सकते हैं किस तरह से श्री राम के जयकारे लगाए जा रहे हैं, और यहाँ पे कई सभी लोगों ने आके ज्वाइन करना है। यहाँ के जो भी लोग हैं या जो इस यात्रा को ज्वाइन करने वाले हैं, तो आपने कई बने रहना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, देख सकते हैं यहाँ की जो लेडीज हैं, यहाँ की जो जिन लोगों में श्रद्धा है, उन सभी ने यहाँ पे बिल्कुल फूलों से इस यात्रा का जो स्वागत किया है या विदाई की, जैसे अभी यात्रा शुरू होने जा रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो समस्त जो यहाँ की स्त्रियां हमारी या लेडीज कह सकते हो या जो हमारी माताएं बहन है, सामने देख सकते हो सभी ने गाइस यहाँ से यात्रा जो है ना स्टार्ट कर दी है, और इनका शुभारंभ कर दिया, अपने फूलों से इनकी जो यात्रा को स्टार्ट करा दिया। सामने देख सकते हो जो यात्रा है यहाँ से हरदासपुर से निकल चुकी है, अभी जाने वाली साहो जाने वाली है। तो फिर आपने ना पूरी की पूरी वीडियो में बने रहना, देखते हैं क्या पूरी दिनचर्या रहती है कि इस यात्रा की, जो यात्रा किस तरह से चलती है, तो आपने बने रहना पूरी की पूरी वीडियो में। जय श्री राम, वीर बजरंगी, हर हर महादेव, 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 जय श्री राम, जय सिया राम, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, श्री प्रभु रामचंद्र जी की जय। अभी के टाइम पे ये जो यात्रा रथ है यहाँ पे चमीणू मोहल्ले में पहुंच चुके हैं। गाइस यहाँ पे सभी लोग यात्रा का जो है ना स्वागत करने के लिए किस तरह से खड़े, कितने प्यारे तरीके से फूल वगैरह डाल के, और सामने जय श्री राम के नारे लगाकर इतने प्यारे तरीके से देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये देखो जय श्री राम, जय श्री राम। सुबह के टाइम यात्रा चली थी पूरे 11:30 बजे हरदासपुरा मोहल्ला से, और गाइस अभी के टाइम पे साहू जाने वाले, और साहू के बीच बिल्कुल चमीणू मोहल्ले या चमीणू गांव के बिल्कुल आसपास से जो यात्रा है पहुंची है। तो सामने देख सकते हो गाइस किस तरह से सभी लोग स्वागतम कर रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल राम जी का नाम लेकर कितने प्यारे तरीके से। तो सामने देख सकते हो गाइस कितना एनर्जेटिक और कितना धार्मिक माहौल बना हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है। तो जय श्री राम, क्या नाम है आपका? भव्य शर्मा। भव्य शर्मा, तो क्या कहना चाहोगे जो यहाँ पे आप खड़े हो? बहुत अच्छा लग रहा है हमें ये देख के, हम बड़े कम दिन बाद निकलते गुरुकुल के बाहर। क्या बात है, क्या प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे यात्रा को जो स्वागत करने के लिए बैठे थे, फिर इनके विचार लेना चाहेंगे, क्योंकि जो भी हमारी युवा पीढ़ी है या जो भी हमारे छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए एक अच्छा मैसेज जाए। देख सकते हो किस तरह से गाइस ये बिल्कुल धोती कुर्ता पजामा डाल के यहाँ पे बैठे, तो इनके साथ गाइस बातचीत करना चाहेंगे। और अभी के टाइम पे गाइस जो ये यात्रा है, ये यात्रा पहुंची है चमीणू में, चमीणू गाइस जो गाँव है या इलाका है साहू नाम में ये पड़ता है। गाइस यहाँ से पूछना चाहेंगे तो किस तरह का माहौल बना हुआ है, आपने गाइस बने रहना। आज श्री राम रथ शौर्य यात्रा आज सुबह 10 बजे के करीब ये यात्रा वहाँ से निकल चुकी है। आज ये दोपहर को साहू में इसका स्वागत कार्यक्रम रहेगा, उसके बाद ये सिल्ला घराट की तरफ प्रस्थान करेगी, और इस यात्रा का आज का जो रात्रि विश्राम है वो हमारे सरोल में रहेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या नाम है आपका? ईशान शर्मा। क्या कहना चाहोगे आप इतने एनर्जेटिक तरीके से यहाँ पे बैठे हो, खड़े हो? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? ईशान शर्मा। क्या कहना चाहोगे भाई? कुछ नहीं। जितने भी आपकी एज के लड़के हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? कि सदा जय श्री राम का नारा लगाओ। क्या बात है, जय श्री राम, जय श्री राम भाई, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
आपकी एज के जितने भी लड़के सामने जो वीडियो देखेंगे उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? हमारे को सदा सनातियों के साथ जुड़ा रहना चाहिए। जय श्री राम। जो भी आपका ड्रेसअप है, जो भी आपके अपने कपड़े पहने, इनके बारे में थोड़ा बता देना। ये हमारा हिंदू धर्म का वो ड्रेसअप है जी। हम गुरुकुल के बच्चे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय। तो जो भी आपने ये ड्रेसअप है, आपका जो भी कपड़े पहने, इसके बारे में आपने ब्रीफ करना है, थोड़ा बताना है। ये जो ड्रेसअप है वो हिंदू सनातन धर्म से लिया गया है जी। जो हमारी जो है मर्यादा को दर्शाता है जी। जो हम सर पे भस्म लगाते हैं वो जो हमारे मस्तिष्क को शांत करता है, और जो हम चंदन लगाते हैं वो आगे चक्र को शांत करता है जी। ये जो हम तिलक लगाते हैं, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या, क्यों लगाना चाहिए तिलक हमें? जो हमारी जितनी परेशानी है, जो हमारा टेंशन है, जितना भी तनाव है, वो सबको दूर करता है, सब कुछ दूर करता है। और इसका नाम क्या है? इसको अंगवस्त्र कहते हैं। ये नीचे धोती और कुर्ता है ना जी। बस जैसे कि आप लोग सुन पा रहे हो, और आपकी एज के जितने भी लड़के, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मतलब अगर आप भी गुरुकुल में आना चाहें तो आप आ सकते हैं। गुरुकुल में आके जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो गुरुकुल के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? हाँ जी, हम जो है रोज़ सुबह जो है 4 बजे उठते हैं और नित्य स्नान करते हैं और अपने स्वाध्याय करते हैं और संध्या वंदन करते हैं, और जो है यहाँ पर धूम्रपान, तंबाकू और ऐसे बहुत सारी शराब की लतों से आप बच सकते हैं, और यहाँ पर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा उच्च साधन है। ये गुरुकुल कहाँ पर आपका, इसके बारे में बताना? ये गुरुकुल जो है हिमाचल चंबा और चमेड़ में स्थित है। क्या बात है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री अभी के टाइम पे हम लोग पहुंच चुके हैं साहू में, जहां तक हमारी जो यात्रा है जाने वाली थी, और साहू नाम की जगह पे हम लोग पहुंच चुके हैं, और बिल्कुल बस स्टैंड में वहां पे खड़े हैं। सामने देख सकते हो लोगों का जोश और लोगों के जयकारे, श्री नाम के, श्री राम के नाम से जो इस यात्रा को चलाया जा रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। सामने देख सकते हो गाइस, ये है सारा का सारा साहू का बस स्टैंड या साहू का एरिया। सामने देख सकते हो कितना प्यारा और कितना सुकूनमय लग रहा है जी। अभी के टाइम पे देख सकते हो कि ये यात्रा जो है ना बिल्कुल साहू से साहू मंदिर के लिए जा रही है। तो गाइस देख सकते हो किस तरह यात्रा का स्वागत किया जा रहा है। बिल्कुल फूल है उनपे, फूलों को ऊपर चढ़ा के या फूलों को डाल के, फिर फूलों को उनके ऊपर यात्रा के ऊपर डाल के इस यात्रा का देख सकते हो ना स्वागत किया जा रहा है काफी प्यारे तरीके से। तो जय श्री राम। जय श्री राम। देख सकते हो कि साहू नाम की जगह में किस तरह से स्वागत किया गया। जो भी यात्रा में आए थे, जितने भी लोग आए थे, सभी का स्वागत बिल्कुल फूल, उन पे फूल डाल के उनका स्वागत किया गया। काफी प्यारा माहौल गाइस जो बना हुआ है, काफी धार्मिक जो माहौल बना हुआ है, तो काफी अच्छा भी लग रहा है। और अभी जाने वाले हम साहू का जो मंदिर है गाइस, वहां जाने वाले हैं। बाकी गाइस सभी लोग यहां से आ रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय करो वीर भजन के।
गंगे, हर हर महादेव, जय श्री राम, जयकारो वीर बजेंगे, हर हर महादेव, जयकारो वीर बजेंगे, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जयकारो वीर बजेंगे, हर हर फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं साहू शिव मंदिर में, या हनुमान मंदिर भी कह सकते हो गाइस। यहां पे हम लोग पहुंच चुके हैं जहां तक हमारी आज की यात्रा जानी थी, क्या बोलते भाई? बिल्कुल गाइस, यहां पे देख सकते हो किस तरह से सभी जितने भी लोग आए थे यहां पे अभी विश्राम करेंगे, और यहीं पे गाइस इनका जो लंच रहने वाले या भोजन रहने वाला यहीं पे खाना वगैरह खाने वाले हैं, क्योंकि सुबह से किसी ने अभी कुछ नहीं खाया है, तो बने रहिए। इसके बाद भाई सिल्ला घराट जाएंगे। अच्छा अब जाना है, मतलब लंच करेंगे ना, गला बैठ गया मेरा, गला तो भाई बैठेगा, मतलब सिल्ला घराट जाएंगे ना, सिल्ला घराट के बाद भाई डायरेक्ट सरोल जाएंगे। आज रात को भाई रात्रि विश्राम जो होगा सरोल में, सरोल में होगा। इसके साथ साथ गाइस ये है शिव दर्शन, तो यहाँ पे आप दर्शन भी कर सकते हो गाइस। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। यहाँ पे हमारा जो है ना लंच होने वाला है, सभी लोग खाना खाने वाले हैं, तो देख सकते हो किस तरह से गाइस सभी लोग जो भी यात्रा पे आए थे सभी लोग अभी खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं। स्कूल के बच्चों द्वारा वो गाइस काफी अल्टीमेट में काफी प्यारा था। दोस्त इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम ब्रोर गाइस, साहू नाम में, साहू जगह में गाइस ब्रोर नाम की जगह है, जहां पे गाइस जो स्वागत किया गया गाइस स्कूल के बच्चों के द्वारा, जो कि बहुत ही प्यारा और काफी अल्टीमेट था। यहाँ पे आपने देखा किसने प्यारे तरीके से स्वागत किया, फूलों से जयकारे लगा के, श्री राम के जयकारे लगे। फिर सबसे अल्टीमेट वाला मोमेंट मुझे ये वाला लगा, जय श्री राम, 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 जय श्री राम।
रामचंद्र की जय। जयवर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। 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 जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जैसे जैसे यात्रा ना आगे बढ़ रही है और गांव के मतलब हर जगह पे हर पॉइंट पे गांव के लोग उन्हें इस तरह से स्वागत कर रहे हैं ना, काफी प्यारे तरीके से। कई यहां पे ना प्रसाद वगैरह ले रहे हैं सभी लोग, पर यहीं पे कई लोग स्वागत कर रहे हैं हमारे इस रथ यात्रा का, जो भी ये यात्रा है कई जितनी प्यारी सी यात्रा है। तो बाकी कई देखो लोगों का उत्साह, देखो कई लोगों में श्रद्धा, देखो कितनी प्यारी है। तो जय श्री राम। तो पूरे पूरे 4:30 बजे अभी के टाइम पे हमें गई जहाँ पे जाना था, हमारी जो लास्ट लोकेशन आज की रहने वाली है, हम लोग हैं वहाँ पे। यहाँ पे देखो गई लोगों ने पहले से तैयारियां करके रखी हैं, जैसे हमारी यात्रा आई वैसे गई इसका सामने देखो गई फूलों से, जैसे रास्ते में भी फूलों से स्वागत किया गया वैसे ही सेम गई वैसे ही स्वागत किया जा रहा है। बाकी गई माहौल जो ना अल्टीमेट और लास्ट जो पॉइंट है यही रहने वाला। तो जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। और गई देख सकते हो ना किस तरह से, जय 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 श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। रामचंद्र की जय। सुत हनुमान की जय। करना है ना वो के बिल्कुल 7:30 बज चुके और यात्रा का जो है ना समापन हो चुका है। ये आपने कल का प्रोसीजर बताने या कल का क्या रहने वाला, कहाँ कहाँ जाने वाली यात्रा? भाई साहब कल का ऐसा है, आज युवाओं में बड़ा जोश और उल्लास देखने को मिला है। हम साओ और सिल्ला घाट तक गए, आपने देखा होगा कितने जबरदस्त उनके सबका मतलब कि मन जो था वो राम 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 में था, भगवान में था। अब क्या है कि अब हम पहुंच चुके हैं अपना सरोल में। कल हम सुबह निकलेंगे गोली बाथरी, उसके बाद बनीखेत, उसके बाद डलहौजी। तो डलहौजी में हमारा विश्राम रहेगा, उसके बाद उस अगले दिन हम जाएंगे खजियार होते हुए मंगला और उसके बाद साच, और आखिर में प्रोग्राम का जो समापन है हमारा वो होगा चंबा के लक्ष्मी नारायण मंदिर में। ठीक है जी। जय श्री राम। जय श्री राम।